वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबरों के साथ। बीजेपी से बदायूं के सांसद और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने केंद्रीय बजट के प्रचार प्रसार के लिए प्रेस वार्ता बुलाई गई और प्रेस वार्ता में पत्रकारों ने उनके पिता सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ा हुआ सवाल किया तो उन्होंने कहा कि केवल बजट से ही जुड़े हुए सवाल ही कीजिए। पूछे जाने पर जब बजट के उद्घोषणा सार्वजनिक रूप से होती है तो अलग से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए क्या जरूरत पड़ी थी। और इस पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश है कि बजट और सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचने के लिए इसलिए प्रेस वार्ता बुलाई गई है और इसके बाद संघमित्रा बिना किसी सवाल का जवाब दिए ही वहां से चली गई। हमारा आम बजट 2023-24 नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराने वाला है, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करने वाला है और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने वाला है। हमारे बजट में सात अर्थात सप्तऋषि प्राथमिकता दी गई है। पहला समावेशी विकास, दूसरा लास्ट माइल डिलीवरी, तीसरा बुनियादी ढांचा और निवेश, चौथा क्षमता को उजागर करना, पांचवा हरित विकास, छठा युवा और सातवां वित्तीय क्षेत्र की मजबूती। राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या में जमीनों के दामों के पंख लग गए हैं और जिसके बाद शहर से लेकर गांव तक बड़ी तादाद में भू माफिया भी सक्रिय हो गए हैं जो कीमती जमीनों पर अपनी नजर गड़ाए रहे हैं। और बता दें आपको कि गरीब और कमजोर लोगों की जमीनों का बेनामा सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत से दूसरों को करवा दे रहे हैं। ताजा मामला जनपद अयोध्या के थाना गोसाईगंज क्षेत्र का है जहां भू माफियाओं द्वारा अवैध रूप से जमीन खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है, जहां विदेश में रहने वाले व्यक्ति की जमीन को अवैध रूप से बेनामा करा लिया गया। इसकी जानकारी जब पीड़ित परिवार को हुई तो आला अधिकारियों को शिकायती पत्र देने के बाद न्यायालय की शरण ली है। मामला ये है कि हमारी जमीन हमारे चचेरे भाई म्यांमार में रहते हैं रंगून, और जो है वो फर्जी बैंक ने बैनामा करा लिया। जब हम लोग को पता चला तो हम लोग कार्रवाई किए और रोक लगाई तहसील में। तो हमारा भाई म्यांमार से आए नहीं है, उस बीच में आया नहीं है, और जो है हम रोज बात करते हैं, उनका पता भी है, हर चीज़ आते जाते थे वो पहले। अभी जो है 2-4-10 साल से वो आए गए नहीं, तो इसी बीच में जो है वो बैनामा सब रंजीत और रणधीर ये सब मिल के सारे लोग ने बैनामा करा लिया है। ललितपुर में कार सवार सभी लोग तहसील बड़ा मलहरा जिला छतरपुर से ललितपुर जिले के थाना मंडावरा के एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे थे। ये कार सवार 5 युवक थाना सोजना के ग्राम जम नजरा पहुंचे ही थे और कि कार की रफ्तार तेज होने के कारण कार से ही नियंत्रण खो बैठे और कार पलट गई। भीषण सड़क हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे सोजना थाना इंचार्ज संदीप सेंगर ने आनंद फानन में ही सभी 5 घायलों को CSC महरोली भिजवा दिया है और जहां पर सभी की हालत नाजुक होने पर सभी को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। जिला चिकित्सालय आपको बता दें कि रेफर किया गया है और 2 की हालत देखते हुए ही 2 लोगों को झांसी मेडिकल कॉलेज भी रेफर कर दिया गया। ललितपुर से खबर है जहां अज्ञात कारणों के चलते 40 वर्षीय महिला ने अपने ही घर में फांसी लगाने का प्रयास किया है। आनंद फानन में महिला को जिला चिकित्सालय लाया गया जहां उसकी हालत नाजुक होने पर महिला को झांसी मेडिकल कॉलेज भी रेफर कर दिया गया है। ललितपुर से खबर है जहां एम्बुलेंस चालक साकीर से एम्बुलेंस लगाने के नाम पर दलाली मांगी गई जिसके बाद एम्बुलेंस चालक ने ही दलाली देने से मना कर दिया तो उसे गंदी गालियां दी गई हैं। जिला चिकित्सालय का ये दलाल जब इमरजेंसी के पास एम्बुलेंस चालक को गालियां दे रहा था तब किसी ने वीडियो बना लिया।
सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया वीडियो, जिसके बाद दलाल के द्वारा साकिर प्राइवेट एम्बुलेंस चालक ने ही चुंबित होकर ही साकिर ने अपने ऊपर डाला ज्वलनशील पदार्थ, जिसके बाद खुद को जलाने की कोशिश भी की है। वहां मौजूद लोगों ने उसे किसी तरह से रोका है और पुलिस को तत्काल खबर दी गई। मौके पर पहुंची कोतवाली इंचार्ज ने साकिर को ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पैसा दे, जब गाड़ी लगाओगे गाड़ी लगाते हटा देते, हमारी प्राइवेट गाड़ी है, 300 रुपये ड्राइवर मिलती है झांसी की, 2500 में गाड़ी जाती है, 700 रुपये मालिक को बचती है, 1500 का डीजल हो जाता है, उसमें किस किस को दलाली दें हम। क्या हुआ आज ये हुआ कि जब हमने गाड़ी लगाई तो 10 आदमी ने दलाली मांगी। पर हरदोई से है, जिले के बिलग्राम क्षेत्र में चूल्हे की चिंगारी से अचानक भड़की आग ने एक एक कर तकरीबन 86 घरों को अपनी जद में ले लिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखकर हर तरफ कोहराम मच गया और इस आग से ही कई मवेशी भी जिंदा जल गए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस भीषण आग में एक युवक भी झुलस गया है, इस जानकारी सामने आई है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आग से लगभग 45 से 50 लाख तक का नुकसान होने की भी बात कही जा रही है। गंगा की तलहटी में ही बसे कटरी बिछुरिया गांव के एक छोर पर बने घर में अचानक भीषण आग लग गई। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले उस आग ने ही एक एक करके तकरीबन 86 घरों को अपनी चपेट में ले लिया और जो जो आग की चपेट में आया था और वो अपनी जान पर खेलकर अपनी घर गृहस्थी को बचाने की कोशिश में जुट गया। हर तरफ कोहराम मचा हुआ था। वहीं इसको लेकर मामले को लेकर ही सीओ बिलग्राम सत्येंद्र सिंह और इसके साथ ही नायब तहसीलदार ज्योति वर्मा और SHO फूल सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और साथ ही दमकल कर्मियों की टीम आग पर काबू पाने के लिए जुट गई है। और इस हादसे में कई मवेशियों के मरने की भी खबर सामने आई है। बताया गया है कि घंटों की मशक्कत के बाद भी आग पर काबू पाया नहीं जा सका था। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोतवाली सदर क्षेत्र के घंटाघर में मौजूद बांस की मंडी पर बाबी किराना स्टोर में शॉर्ट सर्किट से ही दुकान में आग लग गई। दुकान के ऊपर ही परिवार के लोग रहते हैं और आग लगने की जानकारी होते ही परिवार के लोग पीछे के रास्ते से निकल गए। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम घटना स्थल पर पहुंची और फायर ब्रिगेड कर्मियों ने दमकल की 3 गाड़ियों की मदद से 3 घंटे में आग पर काबू पाया। घंटा घर में मौजूद बांस की मंडी पर गुरुवार रात 12 बजे बाबी किराना स्टोर में यह आग लग गई और आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई और सूचना दुकान स्वामी को दी गई। और वहीं आपको बताते चले कि आनंद फानंद से ही पीछे के रास्ते से अपने परिवार के लोगों को किसी तरह से बाहर निकाला गया और घटना की जानकारी होने पर फायर ब्रिगेड की टीम के साथ सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। किराना स्टोर संचालक बाबी का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से ही दुकान में ये भीषण आग लगी है। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। हरदोई में एक ई रिक्शा चालक की तूफानी रफ्तार और पीछे पीछे भागते हुए डंडेबाजी करते ही पुलिस कर्मियों का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की घटना कल बुधवार की बताई गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक ई रिक्शा चालक अपने ई रिक्शा पर PRD जवान को लेकर शहर की सड़कों पर तूफानी रफ्तार से भाग रहा है, जबकि पीछे पीछे पुलिस ई रिक्शा पर डंडे चलाते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रही है। यातायात पुलिस की ई रिक्शा चालक को सीज करने की कार्रवाई से ही बचने के लिए चालक ई रिक्शे पर बैठे PRD जवान को लेकर भाग निकला था। पुलिस ने फिलहाल ई रिक्शा पर कार्रवाई करने का दावा किया है, लेकिन बीच सड़क पर पुलिस कर्मियों की डंडेबाजी को गलत मान रही पुलिस ने लापरवाह पुलिस पर ही कार्रवाई करने पर चुप्पी साध रखी है। शासन की मंशा के अनुरूप ई रिक्शे का चालान किया जा रहा है और उनकी चेकिंग की जा रही है ताकि यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुगम तरीके से चलाया जा सके। उसी क्रम में एक ई रिक्शा को रोक करके कागजात पूरे न होने के कारण पुलिस लाइन भेजा गया था। वह पुलिस लाइन न जा करके पुलिस के जवान को ले करके वह अपने मालिक की तरफ भागा। उसे रोकने के लिए सिपाहियों द्वारा रोका गया, रोक करके उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। जिस तरीके से सिपाहियों के द्वारा उसको डंडे फटकार के रोका जा रहा है, ऐसे में हादसा भी हो सकता था, इसे कैसे देखते हैं? हो सकता था, लेकिन अब ये है कि इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन रोक करके उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है जो भाग रहा था।
अब खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर आपको बता दें कि जिम्मेदारों ने बच्चों के पढ़ने लिखने वाले हाथों में कलम की जगह झाड़ू थमाया है। वहीं स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया है और वायरल वीडियो में दो बच्चे झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अध्यापक स्कूल में देर से आते हैं और बच्चे से झाड़ू लगवाते हैं। उसके साथ ही जानकारी ये भी है कि बर्डपुर के ही प्राथमिक विद्यालय द्वितीय का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। बदायूं जिले के ही उसावा थाना क्षेत्र में छुट्टा गोवंश की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है, जिनकी पहचान अमित पुत्र सुखराम और इसके साथ ही ऋषभ शर्मा पुत्र लवलेश शर्मा के रूप में हुई है। ये दोनों व्यक्ति फरुखाबाद शहर के मोहल्ला नाला मच्छरहरा हटा के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसा आपको बता दें कि बदायूं जिले के थाना उसावा क्षेत्र के ग्राम मंचा नगला के समीप MF हाईवे का है। और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि सूचना पर दोनों युवकों के परिजन मौके पर पहुंच गए और पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। हरिद्वार के सिडकुल थाना पुलिस ने पोपिन हत्याकांड का खुलासा किया है। बताते चले कि दोस्त ने ही पोपिन की हत्या की थी और नशे की लत पूरी करने के लिए पहले लूट का प्रयास किया और जिसके विरोध करने पर ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। पूरे मामले का SSP हरिद्वार द्वारा प्रेस वार्ता में खुलासा किया गया है। ज्ञात व्यक्ति की बॉडी मिली थी, इसकी शिनाख्त पोपिन नाम से हुई थी और जो मजदूरी वगैरह का कार्य करता था, इसका एक साथी था जो उसके साथ उसको ले गया था और लालच में चूंकि पैसे उसके पास हमेशा 5-7 हज़ार रुपये रहते थे मृतक के पास, तो उसको ईंट से मारकर और उसको घायल कर दिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी और पैसे लेके भाग गया था। ये 3-4 दिन से इसकी तलाश की जा रही थी और मिलने के बाद पूछताछ उसने बताया कि उसको नशे की हालत में ही था और उसको पैसे की ज़रूरत थी और इसलिए उसने अपने दोस्त को जो है ईंट से मारकर पैसे लेके भाग गया था। उसको गया और जो है उसको न्यायालय में पेश किया गया। खबर हरिद्वार से है, जहाँ JEE और AE भर्ती परीक्षा मामले में SIT को एक और सफलता मिली है। पूरे मामले में 50,000 के इनामी सहित 3 आरोपी और दबोचे गए हैं। इनामी अभियुक्त के बैंक खाते FD फ्रीज किए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।